अपने को ऐसी कंपनी के साथ में ज्वाइन होना है जहां पर हमारे जो लोग हैं, जो हमारी कैटेगरी, जो हमारी संगत के लोग, वो सब उस सामान को खरीद सके। क्लोथ भी है अपने पास, शूज भी है अपने पास, बेडशीट वगैरह जो भी है, लेडीज के कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, कॉस्मेटिक का सामान है, पेंट्स भी अपने पास में है, और चूल्हा भी अपने पास में है, बर्तन भी अपने पास में है, बहुत सारे आइटम मतलब अपने पास में टोटल मिला के 500 से ज्यादा प्रोडक्ट अपने पास है। हमें चाय पत्ती लेना है, चाय मसाला लेना है, जैम लेना है, अगरबत्ती लेना है, धूपबत्ती लेना है, नमकीन लेना है, बिस्किट लेना है, ये सब अगर हमें लेना है और वहां पर हम गए तो कुछ चीज मिला कुछ चीज नहीं मिला तो क्या करेंगे, दूसरे काम के लिए दूसरी दुकान पर जाना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, जय आशियम, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रमोद मौर्य यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको एक सही जानकारी देने वाला हूँ। यदि आप किसी कंपनी में ज्वाइन होने के लिए सोच रहे हैं, जब आप बाद में सोचते हो, पछतावा करते हो, तो आपको अफसोस होता है। कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में जानकारी ले लेना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ऐसे लोग गलतियां क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं और शादी कर लेते हैं। बाद में दोनों में टकरार होता है, झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, फिर कहते हैं तू मुझे पसंद नहीं, तू मुझे पसंद नहीं। तो ये दोस्तों जिंदगी भर का अपना जो है कि एक दोस्ती होती है, जिंदगी भर का एक नाता होता है, एक रिश्ता होता है। सेम उसी तरीके से आप अगर किसी भी कंपनी में अपनी आईडी को लगाना चाहते हो तो उसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है, उसकी प्रोफाइल को चेक करना बहुत जरूरी होता है। हमारे देश में कंपनियां तो बहुत हैं, अनेकों कंपनियां हैं, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं और बहुत सारी ऐसी मनी सर्कुलेशन कंपनियां जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर चल रही हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं सही कौन है, गलत कौन है, किस कंपनी के साथ हमें काम करना चाहिए, कौन सी कंपनी हमारे लिए बेस्ट होगी, परफेक्ट होगी, वो बात आपके साथ में मैं करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करना, लास्ट में वीडियो देखने से पहले एक लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन होगा, एक ऐसे लाइक दबाइए। चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों एमएलएम कंपनी, एमएलएम होता मतलब मल्टी लेवल मार्केट, हमारे देश में बहुत तरह की कंपनियां चल रही। तो इस समय मैं प्रेजेंट टाइम में अगर आपको बताऊं तो मैं आरसीएम में करता हूं काम और आरसीएम बिजनेस को मैं सीख रहा हूं, इसके बारे में लोगों को बता रहा हूं। तो मैं आरसीएम में हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग सब लोग आरसीएम में ही जुड़ जाओ, लेकिन ये जरूर कहूंगा आप किसी भी कंपनी में जुड़ने के लिए जा रहे हो, मन बना रहे हो, तो आप ये चीज को जान लो, समझ लो, उसके बाद किसी कंपनी में जाओ। ठीक है, मेरा सीधा कहने का मतलब है, आप किसी कंपनी का ज्वाइन हो चुके हो तो भी आपको ये चेक करने की जरूरत है जो मैं बताने जा रहा हूं। तो आज के बारे में मैं बता दूं कि आरसीएम में ऐसा क्या है, आरसीएम में क्या है, बाकी आप जिस कंपनी में है उसमें आप चेक कर लेना। आरसीएम में क्या है वो मैं बताने जा रहा हूं कि आरसीएम इस समय ठीक कैसे है, बढ़िया कैसे, अच्छी कैसे है, वो मैं बताने जा रहा हूं। बाकी आपके कंपनी में जो कुछ भी होगा आप अपने कंपनी में देख लेना, चेक कर लेना। आज के टाइम में क्या है कि आरसीएम सबसे पुरानी कंपनी है, इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी। आज इस कंपनी को चलते हुए लगभग 23 साल हो गए, 23 साल से ये कंपनी हमारे भारत में चल रही, 23 साल हो गया कंपनी को चलते हुए। और दूसरा बात मैं बता दूं आपको, कहते हैं नवा नौ दिन पुराना सौ दिन, जो चीज़ पुरानी होती है वो थोड़ी ज़्यादा चलती है, जो नई होती है उसकी कोई गारंटी नहीं होती। पुराने का मतलब इसने पैर जमा लिया है, इनके नेटवर्क बन चुके हैं, इनके सारे सिस्टम सेट हो चुके हैं, तो ये हिलने वाला अब नहीं है, तो नए का तो कोई गारंटी नहीं। दूसरा मैं बता दूं, दूसरा फायदा क्या है, इस कंपनी के पास में इस समय 15,000 दुकानें हैं, जिसको हम पीयूसी सेंटर बोलते हैं, पीयूसी, जिसको हम इस समय वंडर वर्ल्ड क्विक के नाम से बोलते हैं, वंडर वर्ल्ड क्विक। ठीक है, तो ये वंडर वर्ल्ड क्विक के नाम से भी बोली जाती है, जिसको पीयूसी सेंटर बोलते हैं हम लोग, पब्लिक यूज़ सेंटर। और ये जो दुकान है, एक दुकान की बात करें इस समय तो 5 से 25 लाख में दुकान खुलती है, 5 लाख से लेकर 25 लाख तक के आउटलेट इसे खोले जाते हैं, अपने पीयूसी सेंटर वंडरवर्ल्ड खोले जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है 15,000 दुकानें हमारे पूरे भारत में है, जो कि और अगर आप किसी अदर कंपनी के पास में जाते हो तो इतनी ज़्यादा किसी के पास में दुकान शॉप सेंटर नहीं है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों, हमारे पास इस समय 12 लाख डिस्प्ले वाल है, क्या है मैं हिंदी में लिख देता हूँ, डिस्प्ले, 12 लाख डिस्प्ले वाल है, जिसको हम बोलते हैं मिनी शॉप, यानी अपने हमारे घर में जो डिस्प्ले वाल लगता है, जो हम छोटे रैक लगाकर उसमें सामान लगाते हैं, उसको हम डिस्प्ले वाल बोलते हैं। तो 12 लाख ऐसे डिस्प्ले वाल हैं, ये क्या करने से होते हैं, आप अपने लिए एक बार 10,000 रुपये का सामान खरीदिए और आपका डिस्प्ले वाल चालू हो जाता है, आप किसी की भी बिल काट सकते हो जिसकी आईडी नहीं लगी है, और जो आपके नीचे आईडी कोई लगाया है, अपनी टीम है आपकी, आप उनमें से किसी को भी अपने आईडी से डिस्प्ले वाल से आप किसी को सामान दे सकते हो, आप चढ़ा सकते हो। लेकिन ये स्टेट बाई स्टेट है, आप जिस स्टेट में रहते हैं, जिस स्टेट में आपका ये डिस्प्ले वाल ओपन हुआ है, उसी स्टेट में आप डिस्प्ले वाल को चला सकते हैं, दूसरे स्टेट से अपने डिस्प्ले पे सामान को नहीं चढ़ा सकते हैं, काटने को आप काट सकते हैं, आप बिल किसी भी स्टेट के लोगों को काटें, आपका टीम चाहे जहां भारत में हो, आप अपने डिस्प्ले वाल से उनकी बिलिंग कर सकते हैं, उनके आईडी पर सामान चढ़ा सकते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट से अपने डिस्प्ले वाल पर सामान नहीं चढ़वा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है जो कि बाजार में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नंबर 4, चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में आरसीएम के पास कम से कम 500 प्रोडक्ट हैं। कितने प्रोडक्ट हैं? 500 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, 500 प्रोडक्ट हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं,
अपने पास क्लोथ भी है, अपने पास शूज भी है, अपने पास बेडशीट वगैरह जो भी है, लेडीज के कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, कॉस्मेटिक का सामान है, पेंट्स भी अपने पास में है, और चूल्हा भी अपने पास में है, बर्तन भी अपने पास में है, बहुत सारे आइटम मतलब अपने पास में टोटल मिला के 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट अपने पास है, मतलब आरसीएम कंपनी के पास में है, जो और किसी कंपनी के पास इतने प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पर आते हैं दोस्तों। नंबर 5, इतने प्रोडक्ट किसी कंपनी के पास में नहीं है। अब बात आती है रेट की, आरएस रेट। आप देखिए रेट जो बाजार में रेट है, रेट जो बाजार में है, बाजार के हिसाब से यहाँ पर बराबर रेट है। अगर बाजार में आप लेने जाएंगे कोई भी चीज़ को, अगर आप वहाँ पर 10 रुपये में मिलता है तो यहाँ भी 10 में मिलता है। अगर बाजार में आप कोई चीज़ लेने जाते हो 20 रुपये में तो यहाँ भी 20 रुपये में मिलता है। बाजार में अगर आप कोई तेल लेते हो या शैम्पू 1 रुपये का तो यहाँ भी 1 रुपये का मिलता है। कहने का मतलब क्या है कि जो बाजार में प्रोडक्ट है उस रेट में प्रोडक्ट आपको आरसीएम के पास में मिल जाते हैं। तो आरसीएम बिजनेस जो एमएलएम में सबसे टॉप कंपनी इस समय चल रही है आरसीएम, इस कंपनी के पास में, ये थोड़ा सा मैंने बाई डाटा आपको बताया। देखो किसी भी कंपनी में जाने से पहले जान लेना जरूरी है हमारी कैटेगरी क्या है, हमारे लोग कैसे हैं, हमारी संगत कैसी है। अब मान लो कोई ऐसी कंपनी में आप ज्वाइन कर लिए, किसी ऐसी कंपनी में आपने आईडी लगा लिया जिस कंपनी के प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगे हैं, थोड़ा कॉस्टली महंगे हैं, यानी आपके जो लोग हैं, जो आपके संगत के लोग हैं, उतने पैसे नहीं कमा पाते हैं कि वो महंगे सामान को खरीद सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, यदि आप 20 रुपये का साबुन लगाते हो और अगर आपका दोस्त भी 20 का लगाता है, अब उसको 40 रुपये का या 50 रुपये का साबुन कहोगे खरीदने के लिए तो उसको थोड़ा सा महंगा लगेगा क्योंकि इनकम कम है उसकी। तो अपने को ऐसी कंपनी के साथ में ज्वाइन होना है जहाँ पर हमारे जो लोग हैं, जो हमारी कैटेगरी, जो हमारी संगत के लोग, वो सब उस सामान को खरीद सके ताकि यहाँ से अपना काम चल सके। ठीक है, तो ऐसी कंपनी के साथ में ज्वाइन होना चाहिए जहाँ पे सामान का जो रेट है वो मार्केट से मिलता जुलता होना चाहिए, महंगा बहुत ज़्यादा हमें या आम आदमी को महंगा नहीं लगना चाहिए। तो आरसीएम के पास में ऐसा है। दूसरा, आपके कंपनी, जिस कंपनी में आप ज्वाइन हो रहे हो उस कंपनी में आपकी दुकान बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। दुकान का मतलब कहें तो पीयूसी सेंटर, सर्विस सेंटर आपके बहुत ज़्यादा कंपनी के होने चाहिए क्योंकि आजकल लोगों को सामान बिल्कुल बगल में चाहिए, दूर नहीं जाना चाहते हैं, लोग आलसी हो चुके हैं, सबको सामान बिल्कुल पास में चाहिए, बिल्कुल दूर कोई नहीं जाना चाहता। तो आपके जितनी ज़्यादा दुकान होगी, शॉप सेंटर होंगे, उतना ज़्यादा लोगों को सामान लेने में फ़ायदा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नहीं तो क्या होता, बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जो आप अभी बुकिंग कराते हो तो 1 हफ्ते बाद आपको आपका सामान आता है, दिल्ली से मुंबई से मेन ब्रांच है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको आपके आसपास में दुकानें खुली हुई हैं, पूरे इंडिया में कहीं से भी आप सामान को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए 12 लाख दुकान ऐसी है जो 10,000 का सामान खरीदने से खुल सकती है, इसमें आप भी खोल सकते हैं जैसे मैंने भी खोला हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने अपनी दुकान खोलनी है तो 10,000 का सामान एक बार में खरीदिए और आपकी दुकान ओपन हो जाती है। आप किसी की भी बिल काट सकते हैं, जो आपके टीम में लोग ज्वाइन हैं या जो नए लोग जिन्होंने कहीं आईडी नहीं लगाया उनका भी बिलिंग आप अपने नाम से कर सकते हैं। करना क्या होगा, अपनी आईडी को डालना, अपने नाम को रिमूव करके उनका नाम डालकर बिल काट देना, बिजनेस वैल्यू आपकी आईडी पर आएगा, पर्ची उनको पक्के बिल का जो रसीद है वो उनको मिल जाएगा सामने वाले को। तो इस तरीके से प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट आरसीएम के पास में और किसी कंपनी के पास में इतना प्रोडक्ट नहीं है। अब बताइए अगर हम दुकान पर गए, हमने चाय पत्ती लेना है, चाय मसाला लेना है, जैम लेना है, अगरबत्ती लेना है, धूप बत्ती लेना है, नमकीन लेना है, बिस्किट लेना है, ये सब अगर हमें लेना है और वहाँ पर हम गए तो कुछ चीज़ मिला कुछ चीज़ नहीं मिला तो क्या करेंगे, दूसरे काम के लिए दूसरे दुकान पर जाना पड़ेगा। इसलिए हमें हमारे जो कंपनी उसके पास सारा सामान अवेलेबल होना चाहिए जो इंसान के फायदे का चीज़ है, जो अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक ठाक है, वो सब सामान हमारी अपनी दुकान पर होना चाहिए। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं सही है उसे ना रखें, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन हमारे जो स्वास्थ्य के लिए है वो हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 99% प्रोडक्ट आपके जो घर में यूज होते हैं वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, मिलते भी हैं। बड़े बड़े इसके मॉल खुले हुए हैं, बड़े बड़े शॉप खुले हुए हैं, वहाँ से आप सामान को ले सकते हैं। तो यहाँ पर आरसीएम कंपनी के पास देखा गया कि यहाँ पर एक तो कंपनी पुरानी है, इसके पीयूसी सेंटर, सर्विस सेंटर बहुत ज़्यादा, 15,000 दुकानें हैं, 5 से 25 लाख में जो एक दुकान खुलती है, 12 लाख डिस्प्ले वाले जो 10,000 का सामान लेने से खुलते हैं, 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट इनके पास में है जो हर तरह की चीज़ें इनके पास उपलब्ध है। रेट की बात करें जो बाजार में रेट सेम रेट यहाँ पर भी मिलता है, कोई ज़्यादा रेट यहाँ पर नहीं है, और बहुत सारी चीज़ों का तो रेट कम, जैसे बाजार में 10 का है तो यहाँ 10 का नहीं मिलता है, यहाँ दोस्तों 9 में ही मिल जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ तो रेट मिलता जुलता कोई महंगा नहीं है। तो अब आपको चेक करना है कि आप जिस भी कंपनी में जा रहे हो, जुड़ रहे हो, उस कंपनी में देखो रेट क्या है, उसका उस सामान का वजन क्या है, उसका पीवी क्या है। तीन चीज जरूर चेक करना है आपको। क्या चेक करना है, सबसे पहले नंबर पर चेक करना है आपको रेट, उसके बाद दूसरे नंबर पर चेक करना है उसका पीवी क्या है, उसके बाद तीसरे नंबर पर चेक करना है उसका वेट। ठीक है, उसका वेट चेक करना है। ये तीन चीजें आपको चेक कर लेनी है, अगर आपने तीन चीजें नहीं चेक किया तो नुकसान आपका हो सकता है। तो तीन चीज चेक करें, उसके बाद आरसीएम में कहीं भी अगर आप आईडी लगाते हैं, किसी के साथ भी आईडी लगाते हैं, तो सीखने पर प्रयास करें। जब आप सीखेंगे तभी आप इसमें जीत पाएंगे, तभी आप इसमें कुछ कर पाएंगे। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से आते हैं, किसी भी लाइन से आते हैं, कोई भी काम करते हैं, मायने नहीं रखता है, लेकिन आरसीएम में अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में आईडी लगा लिया है
तो उसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी। जब आपको जानकारी होगी तो ही आप आगे जानकारी दे पाएंगे। जब आपको जानकारी नहीं होगी तो ना आप कमा पाएंगे, ना जानकारी किसी को देकर कमवा पाएंगे। ठीक है, तो जानकारी लेना बहुत जरूरी है, माहौल में बने रहना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपनी टीम को जरूर शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, फेसबुक में शेयर कीजिए इस वीडियो को। इससे क्या होगा कि सभी को जानकारी मिल पाएगी। कई लोग ऐसे जो आईटी लगाना तो चाहते लेकिन कंफ्यूज है किस कंपनी में आईटी लगाऊं, कहां पे मैं जाऊं, कौन सी कंपनी बेस्ट होगी, कौन सी कंपनी अच्छी होगी। तो ये चीज बताइए, ये जानकारी उनको दीजिए, समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए कौन सी कंपनी ठीक है, कहां मुझे चलना चाहिए। ठीक है, नेटवर्क के मायने में भी ज्यादा, इसके पास नेटवर्क भी बहुत ज्यादा, 3 करोड़ से ज्यादा नेटवर्क है अर्थ सिंह के पास में। तो ये सी बहुत सारी जानकारियां। चैनल पर पहली बार अगर आप आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ वहां सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद वीडियो को शेयर कीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए, सपोर्ट और सहयोग करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय आरसीएफ, जय हिंद।